हेलो फ्रेंड्स, मैं तो चलिए आज हम लोग अपने चैनल पर जो क्लाइमेट सेक्शन का जो सॉरी क्लाइमेट का जो थर्ड सेक्शन है उसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के जो हमारा तीसरा सेक्शन था क्लाइमेट चैप्टर का। जैसे बताया था कि पाँच सेक्शन में इसको कम्प्लीट किया जाएगा। तो इसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सॉरी प्लेनेटरी विंड्स, लैंड सी ब्रीजेस और जो सीजनल विंड्स हैं उसके उसके बारे में पढ़ेंगे। सीजनल विंड्स, तो लैंड एंड सी ब्रीज और माउंटेन ब्रीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब सीधा हम लोग बात करेंगे, तो आते हैं इसके बारे में। तो सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करते हुए। जैसे बात करें प्रेशर एंड प्लेनेटरी विंड्स, जैसे कि प्लेनेटरी विंड्स की यदि बात करें, प्लेनेटरी विंड्स आर ऑल्सो नॉन एज द परमानेंट और ट्रेवलिंग विंड्स। ये जो प्लेनेटरी विंड्स जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रहीय पवन है, ये बिल्कुल एक परमानेंट हवाएं होती है। कुछ एक पैटर्न होता है वायु जो धरती का जो वायुमंडल है उसमें हवाओं का चलने का। ये ब्लो फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर ओवर द अर्थ सर्फेस ओशियन थ्रू आउट द ईयर एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये होता यह है कि यहाँ पर सॉरी, ये निश्चित दिशा में सालों भर ये हवाएं चलती हैं, जो कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, धरती और समुद्र दोनों तरफ। दिस विंड्स आर कैटेगराइज इन इनटू थ्री कैटेगरीज, डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। इसको ये तीन तीन भागों में विभाग किया गया है। जैसे पहला है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली और पोलर विंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेड विंड्स देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका सॉरी ट्रेड विंड देखने से पहले इसका एक बेल्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यह है पोलर पोलर रीजन है, पोलर यहाँ से ईस्टर्ली, और फिर इधर आता है हमारा सब पोलर प्रेशर प्रेशर बेल्ट है। फिर ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। यहाँ से देखते हैं इक्वेटर के आसपास जो जहाँ की हवाएं सॉरी रोशनी, सूरज की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर इस इलाके में आपको यहाँ पर देख सकते इक्वेटोरियल लो प्रेशर बनता है। फिर हमारा ये जो इलाका है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी थोड़ा कम पड़ती है, तो कभी कम कभी ज़्यादा, तो यहाँ पर एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जनरेट होता है। फिर यहाँ है आपका ये सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ पर भी एक लो प्रेशर जनरेट होता है। ये बना एक जनरेट नहीं हो, ये बना होता है। और इसके साथ देखते हैं कि हवाओं के साथ घूमने के एक ऊपरी वायुमंडल में सील डेवलप होता है, चक्र होता है। अब इन चक्र ये तीन आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तीन चक्र बनते हैं। अब इन चक्रों के नाम क्या है आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम लोग बताएंगे। चलिए तो थोड़ा सा इस पर काम कीजिए, यदि कहीं से मिलता है पढ़िए और इसको बताइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको जो सब पोलर लो प्रेशर है उसको टेम्परेट बेल्ट भी, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं इसको, और ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो चलिए अब आगे इसको ट्रेड विंड्स पर बात करते हैं। तो जैसे ट्रेड विंड्स की बात करें तो ट्रेड विंड्स को हम लोग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। जैसे कि ये जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेड विंड्स जो है ये कहाँ से होता है, ये हमारा ये है कहाँ से, ये जो ट्रेड विंड्स है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर। आप ये देख सकते हैं इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर गोन, ये जो इलाका है यहाँ पर ये ट्रेड विंड चलता है। ट्रेड विंड को कभी कभी व्यापारिक पवन भी कहा जाता है, जबकि इसके लिए सही नाम होता है इसका एक कह सकते हैं इसको सनमार्गी पवन बोलते हैं हिंदी में इसको। सिंस दे ट्रेवल फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड एरिया दे बिकम द ग्रेजुअली हॉट ड्राई एंड हैंस हैव अ ग्रेट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसमें जो है बहुत ही अधिक क्षमता होती है नमी धारण करने की, क्योंकि वो हाई लैटिट्यूड रीजन से लो की ओर जाती है। तो यार जैसे कि हम जानते हैं कि हाई लैटिट्यूड रीजन में वहाँ शुष्क उधर से शुष्क हवाएं आती हैं। दे काउज कंसिडरेबल रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो जैसे पूर्वी जो किसी भी महाद्वीप का जो पूर्वी तट है वहाँ पर वर्षा कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये इस तरह की हवाएं जब ये एशियाई महाद्वीप पे चलती है तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसी हवाओं से इन्हीं हवाओं से वर्षा होती है। जब दिस विंड्स का कन्वर्ज नियर द इक्वेटर ऑफ इक्वेटर एंड आई टी सी जेड हियर हेंस विंड राइजेस कॉजेज ऑफ हेवी रेनफॉल। ये जो कन्वर्ज होता है नियर आई टी सी जेड, आई टी सी जेड एक ऐसा जगह है जो कि वास्तव में इसको इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या फिर इसको एक वास्तविक इक्वेटर मान सकते हैं इसको, जो कि समय के साथ वो सूरज की स्थिति के साथ वो आग ऊपर और नीचे खिसकता रहता है। एब्सेंट इन इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशियन विच इज डोमिनेंट बाई द मानसून विंड्स।
ये इस तरह का जो सन्मार्गी पवन है वो उत्तरी जो हमारा हिंद महासागर है वहां पर इसको इसकी अनुपस्थिति देखी जाती है। इसका कारण है कि ये मानसून की वजह से, क्योंकि जब मानसून जो है मानसून में होता क्या है कि गर्मियों में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और फिर सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर है। और मौसम के लिए मानसून के वाले चैप्टर मानसून वाले सेक्शन में इसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी इसी एपिसोड में। तो अब नेक्स्ट हमारा है ये, तो अब इसको देख सकते हैं यहाँ पर ये एक दिया गया, ये ईस्टर्ली दिशा से चलती है। ये देख 90 डिग्री यहाँ पर पोल है, पोलर फ्रंट वार्मर एयर राइजेस लो प्रेशर। तो ये सारा इसमें आपको देखें यहाँ से ये जो पोलर के पास जो एक हाई प्रेशर होता है वो वहां से सब ट्रॉपिकल सॉरी ये टेम्परेट लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर की ओर बढ़ता है ये। और यहाँ से देख सकते हैं हॉर्स लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, ये हमारा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ से भी हवाएं इस ओर बढ़ती हैं सब पोलर लो प्रेशर की ओर, और यहाँ से दोनों ओर बढ़ती है। यहाँ से ये हॉर्स लैटिट्यूड है, यहाँ से यहाँ पर ईस्टर्ली भी चलती है यहाँ से इस ओर इक्वेटर की ओर, सब 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 ट्रॉपिकल लो प्रेशर से इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं और इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। इसको यहाँ पर देख सकते हैं और वेस्टर्लीज जैसे आपका वेस्टर्लीज जो होती है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर लो प्रेशर की ओर बहती है। दोनों दोनों ही हेमिस्फेयर में, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इधर रहा ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये था हमारा आज का इसका। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं वेस्टर्लीज विंड्स ब्लोस फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। फिर ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉम साउथ टू वेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट अंडर कोरिओलिस इफेक्ट एंड नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर। ऐसा होता है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है हवाएं कहाँ पर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जबकि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर बहती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। ब्लो फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, ये जो है वेस्टर्लीज जो है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती है। कॉजेज द कंसिडरेबल रेनफॉल पार्टिकुलरली ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मोर कंसिस्टेंट इन डायरेक्शन एंड ब्लो विद स्ट्रॉन्गर फोर्स इन साउथ हेमिस्फीयर ड्यू टू लेजर ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। ये जो वेस्टर्लीज है दक्षिणी, आप कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो काफी तेजी से काफी मजबूती से बहती है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हवाओं को चलने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा पहाड़ पत्थर और महाद्वीपीय भाग है, जबकि जो हमारा जो पृथ्वी का जो साउदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध है ये एक द्वीप आप कह सकते हैं इसको सागरीय गोलार्ध है, इसको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सागर है यहाँ पर, इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट कोई बाधा नहीं होता, इसलिए हवाएं काफी तेज इसी में चलती है। जो इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉट ऑल द वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द टेम्परेट जोन बट जो 30 to 60 रिसीव द वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू शिफ्टिंग बेल्ट्स। ये होता है बेल्ट का बेल्ट जो शिफ्ट होता है, जिसके कारण 30 से 60 डिग्री तक ये सारे वेस्टर्लीज प्राप्त देखने को मिलता है। इन जून व्हेन ओवरहीट सन, जब जून महीने में ओवरहीट सन इज ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर जब होता है तो इट ऑल द बेल्ट्स मूव 5 to 10 डिग्री नॉर्थ। ये होता है कि सब सारा जो बेल्ट है वो 5 से 10 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाता है। देयर एवरेज जो अपना एवरेज पोजिशन है द मेडिटेरेनियन पार्ट ऑफ द कंटिनेंट दैट कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज रिसीव रेन इन जून एंड वाइस वर्सा, ये सारा इन दिसंबर व्हेन सन इज ओवर हीटेड इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब वही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप देख सकते हैं जून में मिलता है, और जबकि यही स्थिति जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ये आपका ये जो मतलब हमारा ये यही कंडीशन सेम कंडीशन वो दिसंबर में देखा जाता है। यहाँ होता क्या है कि ये जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल जोन है वो खिसक जाता है उत्तर की ओर। ये तो था वेस्टर्लीज। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पोलर विंड्स की। तो पोलर विंड्स विंड ब्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जैसे हम लोग वहां पर देख सकते हैं इसको। चलिए इसका यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा पोलर हाई प्रेशर और ये रहा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ से ये इधर से नॉर्थ से साउथ, या फिर यहाँ से भी हो सकता है यहाँ पर साउथ से नॉर्थ, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ से साउथ टू नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ टू साउथ होता है।
चलिए पोलर बीन्स ये हो गया। आर वेरी कोल्ड इन नेचर, ये जो काफी ठंड होता है, इसका जो नेचर होता है काफी ठंडा होता है। और इधर पोलर एरिया डू नॉट काउज मच रेनफॉल, इसके कारण पोलर रीजन में जनरेट होने की वजह से इसके से बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता, बहुत होता है बट बहुत कम होता है। दिस विंड्स गिव बर्थ टू द साइक्लोन साइक्लोन्स व्हेन दे कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज, ये जो ईस्टर्लीज है, ये जो पोलर विंड है, ये ठंडी हवाएं हैं, और दक्षिण से आने वाली जो गर्म हवाएं आपस में जब मिलती है तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है। जैसे साइक्लोन हम लोग बात कर चुके हैं पहले, साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन को जन्म देने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये पोलर विंड्स। और आप सब देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी के बीच में ये इस तरह का जनरेट होता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से हमारे इंडिया इंडिया तक पहुंचता है। इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां तक पहुंचता है, और दिसंबर जनवरी में बारिश होती है। इसे बीइंग द फ्रीक्वेंट चेंज इन वेदर कंडीशन द कॉज द हेवी रेनफॉल, और इसके कारण जो है बहुत ज्यादा कभी कभी रेनफॉल होता है इस क्षेत्र में। और फिर शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके, बेल्ट का शिफ्ट होना, विंड बेल्ट डिस्क्राइब्ड अबव द कीप द शिफ्टिंग ऑफ द नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, जो था कि बेल्ट जो होता है, विंड बेल्ट डिस्क्राइब्ड अबव कीप ऑन शिफ्टिंग, विंड बेल्ट जो होता है शिफ्ट होता है कहाँ से, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। जब 21 मार्च को सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर पर जब सूर्य नॉर्दर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो मतलब बिटवीन 5 से 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की ओर खिसक जाता है। और एक्चुअली हमेशा ये जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है, और ये 21 मार्च को जो होता है सन, जैसे कि नॉर्थवर्ड मूव शुरू करता है, और ये पूरा सिस्टम प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव करने लगता है पूरा सिस्टम, जबकि 21 जून को ये 5 से 10 डिग्री नॉर्थवर्ड ऑर्डिनल पोजिशन से उत्तर की ओर होता है, और वही 21 दिसंबर को ये दक्षिण की ओर होता है 5 से 10 डिग्री दक्षिण की ओर। दस शिफ्टिंग ऑफ द वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट ऑल्सो द कॉजेज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द वर्ल्ड विंड सिस्टम, ये पूरा विंड सिस्टम को ही शिफ्ट कर देता है। अब इसे यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये हमारा, ये जबकि इक्वेटर तो हमारा इक्वेटर तो इस जगह के आसपास से गुजर रहा है, आप देख सकते हैं ये, जबकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अभी यहाँ है, ये हमारा दिसंबर वाला कंडीशन है, लेकिन जब जब ये जून वाला कंडीशन होता है तो ये इस जगह आप देख सकते हो, ये इस जगह पर यहाँ पर ये तिब्बत के पठार तक ये फैल जा रहा है, और यही कारण है जब इस क्षेत्र में काफी गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर एक उत्तर पूर्व सॉरी यहाँ पर एक उष्ण पूर्वी जेट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से इस मानसून को काफी तेज गति मिलती है। चलिए जेट स्ट्रीम के बारे में भी आगे बात करेंगे, इस पर हम लोग सारा डिस्कस करते हैं इस पर अब आगे। तो ये सारा तो अब आगे चलिए बात करेंगे हम लोग पीरियोडिक एंड सीजनल विंड्स, कुछ हवाएं हैं जो कि पीरियोडिक होती है, सीजनल भी होती है, चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली, ऐसी हवाएं जो कि समय के साथ साथ उसकी जो दिशाओं में बदलाव हो जाता है। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं मॉनसून है, और लैंड एंड सी ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, इस पर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि समय के साथ अपना अपनी दिशा बदल लेती है। तो पहले मानसून की बात करते हैं, इट रिफर्स टू सिस्टम विंड्स विच रिवर्स देयर डायरेक्शन कम्प्लीटली विद द चेंज ऑफ द ऑफ सीजन, मानसून का अर्थ ही होता है कि समय के साथ हवा की दिशाओं में परिवर्तन, हवा का व्युत्क्रमण बोले या परिवर्तन बोले। ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड ड्यूरिंग द समर, लैंड टू सी ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ये हैसले का लॉ है, हैलिस का लॉ है, ये एक इसमें कहा था कि नहीं, हवाएं जो है गर्मियों में, जैसे गर्मियों में होता है कि स्थलखंड जो गर्म हो जाता है जिसके कारण वहां पर लो प्रेशर बनता है और समय समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है, जबकि फिर वो सर्दियों में जब जो हैलिस लॉ के अनुसार जब सर्दियों में जैसे आप जानते हैं कि सर्दी जैसे बढ़ना शुरू होता है, स्थल जो होता है पानी की अपेक्षा तेज मतलब तेजी से गर्म और ठंडा होता है। अब यहाँ पर देखें समुद्र जो है पहले से गर्म था और स्थल काफी तेजी से ठंडा हो रहा है, ऐसे में ठंडे से गर्म की हवाएं और उधर वहां लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, और इधर से समुद्र में हाई प्रेशर, लो प्रेशर तो पहले से था, और जबकि जो स्थल खंड में हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये इस तरह की देखने को मिलता है।
दिस इंड्यूस द एयर फ्लो फ्रॉम द सी टू लैंड इंड्यूस हैवी रेनफॉल इन द इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। इसके कारण जो होता है कि जब ये जो मानसून जब आती है तो यहाँ पर इंडिया और उसकी जो पड़ोसी देशों में भारत और पड़ोसी काफी तेज वर्षा होती है और हमारी जो पूरी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको इसको आगे हम लोग चैप्टर में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। इन विंटर्स द सन शाइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब विंटर में जो होता है जब मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ऐसे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हेंस द नॉर्दर्न पार्ट्स इंडिया ग्रोज कोल्डर देन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल व्हेन रिजल्ट द इंटर इवन रिवर्सिबल मानसून इन इंडिया। होता है कि जो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि जब इसका डिस्कस कर लिया पहले ही जब हमारा ये दिसंबर का जो महीना होता है जब हम लोग जब सूर्य की किरण ये कर्क मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो ये जो होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है साउदर्न हेमिस्फेयर की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ऐसे में उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं बहती हैं और इसको रिवर्सिबल मानसून बोलते हैं वो लौटता हुआ मानसून। एबव द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग वॉज रिप्लेस बाय द शिफ्टिंग ऑफ आईटी सीजन फॉर मानसून इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। ये जो दो थ्योरीज है शिफ्टिंग ऑफ आईसीजेड और थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग अलग अलग तरह के समय का जो हीटिंग होता है सर्दियों में ये जनवरी दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर और गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पर और जो दूसरा है कि आईटीसीजेड का जो शिफ्टिंग होता है इसके कारण ये दोनों थ्योरी जो है यहाँ पर जो ये डिफरेंशियल हीटिंग का जो थ्योरी है इसको जो आईटीसीजेड वाला थ्योरी इसको यहाँ रिप्लेस कर रहा है। आपको यहाँ पर आईटीसीजेड वाला थ्योरी करता है काम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो जो इसमें यहाँ पर बेस्ट जो होता है ट्रेड विंड्स का अभाव देखा जाता है। तो चलिए ये स्थिति रहती है आप देख सकते हैं इसको ये मानसून का ये समर में स्थल से ये हवाएं समुद्र की ओर जा रही है इंडिया में जबकि विंटर में यहाँ से इधर से हवाएं आ रही है लेकिन यही शुष्क हवाएं जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और यहाँ तमिलनाडु और के इलाके में आती है यहाँ पर तो यहाँ बरसात होता है विंटर में यहाँ पर बरसात होता है। यहाँ का जो रेनी सीजन होता है विंटर में होता है इसी के कारण। अब ये लैंड एंड सी ब्रिजेस है इन्फ्लुएंस ओनली द स्ट्रिप ऑफ 20 ये जो 20 से 30 किलोमीटर द कॉस्ट ये समुद्र तट है उसके आसपास देखी जाती है। जब ये देख सकते हैं कि दिन में हवाएं ये होता है कि दिन में हवाएं जो है स्थल से सॉरी समुद्र से स्थल की ओर सॉरी दिन हाँ साउथ से हाँ लैंड ब्रिज दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और जबकि रात में जो होता है ये स्थल से समुद्र की ओर चलने लग एक मिनट चलिए इसको फिर इन्फ्लुएंस द डे इज अ नैरो स्ट्रिप ड्यूरिंग द डे सन साइंस हैंस द सी ब्रिज मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। यहाँ पर होता है दिन में समुद्र से स्थल की ओर और रात में जो होता है फ्रॉम द लैंड टू सी स्थल से समुद्र की ओर ये हवाएं बहने लगती है और ये जब इन क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं इनको यहाँ पर ये रात में काफ़ी सुखद अनुभव होता है क्योंकि वो तब काफ़ी शुष्क हवाएं होती ठंडी ठंडी होती है और काफ़ी आरामदायक होता है जबकि दिन का जो मौसम तो काफ़ी चिपचिपा होता है यहाँ पर और ये इससे बारिश भी होती है कोस्टल रेनफॉल भी होता देखने को मिलता है इससे। चलिए इसे देखते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रिज ड्यूरिंग द डे माउंटेन स्लोप्स गेट द हीटेड मोर देन द वैली फ्लोर हेंस एयर फ्लो द वैली टू फ्लोर अप द स्लोप वैली ब्रिज आफ्टर सनसेट पैटर्न इज रिवर्स्ड। होता है कि जैसे देख सकते हैं कि दिन के समय में जो है यहाँ पर यह घाटी की अपेक्षा ये ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसके कारण हवाएं दिन में यहाँ नीचे से ऊपर की ओर और फिर रात में फिर शाम होते होते ये भी गर्म हो जाता है फिर रात में फिर ऊपर से नीचे की ओर ये हवाएं चलती हैं। तो ये इसका एक माउंटेन ब्रिज इसका जो आफ्टर सनसेट पैटर्न इज रिवर्स्ड क्या कहता है ड्यूरिंग द डे माउंटेन स्लोप्स गेट हीटेड मोर देन द वैली फ्लोर हेंस एयर फ्रॉम वैली फ्लोर ब्लोज अप द स्लोप। यहाँ मतलब दिन में होता है कि दिन में नीचे से ऊपर हवाएं चलती हैं और रात में ऊपर से नीचे और ये इसका आइसोबार्स लाइन दिया हुआ है इसका अलग जगह का। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में तक के लिए थैंक यू। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तब थैंक यू।